ये कहानी एंजेला नाम की लड़की के ऊपर आधारित है जो एक बूढ़े आदमी के साथ बाथरूम में फंस जाती है, जिसके बाद उन दोनों को ना चाहते हुए भी एक दूसरे के साथ घपा घप करना पड़ता है। आगे उनके साथ क्या क्या होता है वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, इस मूवी का नाम है मैड्रिड और ये मूवी 1987 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक मेगल नाम के फेमस राइटर को देखते हैं जो एक होटल में बैठ के कुछ लिख रहा था। तभी वहाँ एक एंजेला नाम की लड़की आती है और वो भी एक पेशे से राइटर है जो मेगल की तरह ही बनना चाहती थी। इसीलिए वो मेगल का इंटरव्यू लेने के साथ साथ कुछ सीखने आई थी, जहाँ मेगल अपना आर्टिकल लिखने में बिजी था और वो एंजेला को कुछ ऑर्डर करने के लिए बोलता है। मेगल एक ऐसा इंसान था जिसके मन में जो कुछ भी आए वो सामने वाले इंसान को सच सच बता देता था और वो अपने मन में किसी भी बात को नहीं छुपाता था। मेगल के हेल्थ को लेकर उसके डॉक्टर ने उसे सिगरेट और तम्बाकू लेने से मना किया था, लेकिन मना करने के बावजूद भी वो सब कुछ एक साथ लेता था। उसके बाद एंजेला अपना आर्टिकल उसे दिखाती है जो उसने खुद लिखा था, लेकिन वो आर्टिकल मेगल को कुछ ज्यादा पसंद नहीं आता और वो बोलता है कि राइटर बनना बच्चों का खेल नहीं और ये इतना आसान भी नहीं है। ये एक ऐसा टैलेंट है जो खुद के अंदर होना चाहिए, जिसे अपने मन से कोई नहीं सिखा सकता। उसके बाद मेगल एंजेला को अपने पास बुलाता है, जिससे एंजेला को लगता है कि कहीं ये बुड्ढा ठरकी तो नहीं। उसके बाद वो एंजेला को अपने कोट में से चाबी निकालने को बोलता है जो उसके फ्रेंड की घर की थी और वो दो दिन के लिए किसी काम से बाहर गया हुआ था। और मेगल एंजेला को वहाँ जाके इंटरव्यू लेने के लिए बोलता है, क्योंकि उस समय मेगल को कोई भी शोर और डिस्टरबेंस नहीं चाहिए था। उसके बाद एंजेला भी उसके साथ वहाँ चली जाती है। वहाँ बहुत सारे पेंटिंग पड़े हुए थे क्योंकि मेगल का दोस्त एक पेंटर था। जब एंजेला वहाँ पेंटिंग देख रही थी तो मेगल उसके लिए ड्रॉइंग लेके आता है और बातों ही बातों में उसके ग्लासेस निकाल के उसे टच करने लगता है। एंजेला थोड़ी नर्वस थी, फिर मेगल उसे किस करने लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर मेगल साइड हो जाता है और बोलता है किस करने में अब वो मजा नहीं है। मेगल एक ऐसा इंसान था जिसके मन में कुछ भी आए वो सामने वाले को साफ साफ बोल देता था। मेगल और एंजेला के बीच में एज का बहुत बड़ा डिफरेंस था, इसीलिए एंजेला काफी घबरा रही थी। उसके बाद मेगल एंजेला को सब कुछ उतार देने को बोलता है, जिसे सुन के एंजेला गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। तब मेगल काफी ज्यादा सैड हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर में ही एंजेला सब कुछ उतार के वहाँ एक शर्ट पहन के आ जाती है, जिसे देखकर मेगल काफी खुश होता है और वो एंजेला की बॉडी पे कलर से पेंट करने लगता है। जिसके बाद एंजेला बाथरूम में नहाने के लिए जाती है और वहाँ मेगल भी पहुंच जाता है और वो भी उसके साथ शुरू हो जाता है, जिसे देख के एंजेला समझ जाती है कि मेगल उसे बिना तेल के पेल देगा। तब वो मेगल से साफ साफ बोल देती है कि मुझे घपाघप नहीं करना और वो वहाँ से डोर ओपन करके जाने लगती है, लेकिन वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तो डोर नहीं खुलता क्योंकि वो दरवाजा जाम हो गया था। जिसके बाद मेगल भी वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता और वो दोनों वहीं फंस जाते हैं। लेकिन तब एंजेला खिड़की से बाहर हेल्प के लिए आवाज लगाने लग जाती है, लेकिन मेगल उसे आवाज लगाने से मना कर देता है क्योंकि अगर इस हालत में उन दोनों को वहाँ किसी ने देखा तो पता नहीं क्या होगा। उसके बाद मेगल एंजेला से बोलता है कि मेरा दोस्त परसों यहाँ आ जाएगा। ये सुनकर एंजेला काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि ऐसे उन्हें दो दिनों तक बंद रहना होगा जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिसे सुन के मेगल भी सोच में पड़ जाता है और वो भी हेल्प के लिए आवाज लगाने लग जाता है, पर उससे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद मेगल एंजेला से बोलता है, अब हमारे पास इंतजार के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं, जहाँ मेगल एंजेला से उसके घर वालों के बारे में पूछता है। तब एंजेला अपने पापा के बारे में बताती है कि मेरे पापा एक मिलिट्री है, और नाम बताने पे मेगल उससे बोलता है, मैं तुम्हारे पापा को जानता हूँ। मेगल उसकी पूरी फैमिली और 17 साल की बड़ी बहन को भी जानता था, क्योंकि एंजेला की बड़ी बहन के साथ मेगल एक स्कूल में था जहाँ मेगल उसे पसंद करता था, लेकिन ये कभी बोल नहीं पाया। जहाँ मेगल उसे बोलता है कि तुम्हारी फादर और तुम्हारी बड़ी बहन में बिल्कुल भी नहीं बनती और वो दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं। जहाँ एंजेला उसे बोलती है, अब मेरी बड़ी बहन बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी है और उसी की वजह से मेरा तुमसे कॉन्टेक्ट हो पाया। जिसपे मेगल उसे पूछता है कि क्या तुम्हारी सिस्टर मुझे याद करती है, जिसपे एंजेला बोलती है कि कुछ खास नहीं, क्योंकि उसका मानना था कि तुम एक इगोइस्टिक राइटर हो जो हर वक्त अपने घमंड में रहता है। ये सुनकर मेगल को मिर्ची लग जाती है और वो गुस्से में बोलता है कि इगोइस्टिक राइटर ही सक्सेसफुल राइटर होते हैं। जहाँ एंजेला उसे अपने इंटरव्यू के सवाल पूछने लगती है और वो उसका जवाब देने लगता है। उसके बाद एंजेला फिर से बाहर हेल्प के लिए आवाज देने लगती है, लेकिन एंजेला को ऊपर से नीचे तक देख के मेगल अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता और उस बुढ़ापे में भी उसका स्पाइडरमैन खड़ा हो जाता है, जिसके बाद वो एंजेला को छूने लगता है, लेकिन एंजेला वहाँ से साइड में जाकर खड़ी हो जाती है और बोलती है कि मुझे बस
यहाँ से निकलना है, जिससे मीगल का दिल टूट जाता है क्योंकि वो भले ही बचपन का था लेकिन उसका दिल अभी भी बचपन का था। पर गुस्से में मीगल भी वहाँ से निकलना चाहता था। उसके बाद एंजेला मीगल से आराम से बात करती है और उसके पास जाती है, जिसके बाद मीगल उसे बोलता है कि हम दोनों यहाँ अकेले हैं और अगर हमने यहाँ कुछ नहीं भी किया फिर भी लोग हमें गलत समझेंगे और इससे अच्छा कुछ करना बेहतर होगा ताकि हमारी टेंशन भी कम हो सके। जिसके बाद एंजेला भी उसकी बात मान जाती है और वो दोनों मिलके बाथरूम में ही गपागप करते हैं। गपागप करने के बाद एंजेला को बहुत तेज भूख लगती है क्योंकि उसने इतनी मेहनत का जो काम किया था, जिसपे मीगल उसे बोलता है कि मुझे लोगों को खाते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है, घो चूसाला। तब वो बोलता है कि स्टोरी ऐसे लिखो जैसे वो रियल लाइफ की हो ताकि लोग उसे अपने लाइफ से रिलेट कर सके। मीगल ये सारी बातें बहुत ही सटीक तरह से बोल रहा था, जो सुनने में लग रहा था कि जैसे वो एंजेला को डांट रहा हो। तभी एंजेला उस पे गुस्सा हो जाती है और मीगल उसे मनाता है और एंजेला को बाहर हेल्प के लिए आवाज लगाने को बोलता है, लेकिन लाख कोशिशें करने के बाद भी उसकी आवाज कोई नहीं सुनता, जिसे देख के एंजेला हार जाती है। उसके बाद मीगल एंजेला से बोलता है कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो थोड़ा अजीब है लेकिन हमें अफसोस नहीं करना चाहिए। तब मीगल को किसी आदमी की आवाज सुनाई देती है। तब वो खिड़की के पास जाके अपने दोस्त लुईस को कॉल करने के लिए बोलता है। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसका दोस्त लुईस आके वहाँ दरवाजा खोल देता है और वो उसे यहाँ आके सॉरी बोलता है क्योंकि वो मीगल को ये बताना भूल गया था कि बाथरूम का दरवाजा बंद मत करना। उसके बाद एंजेला मीगल से जाते समय बोलती है कि आज हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो दोबारा नहीं होगा और ये बस एक इंसिडेंट है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और उसके बाद एंजेला अपने घर चली जाती है। तो यहाँ ये मूवी खत्म होती है। ऐसे धन्यवाद।